हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित की जब हम बात करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि गणित की बात कर रहे हैं हम, और कंपटीशन एग्जाम देना है तो बेसिक मेथड से तो एक कंपटीशन एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। हमें ट्रिक की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसी ट्रिक 5 से 10 सेकंड में आंसर दे दे, 1 मिनट से कम में हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एवरेज हमारा एग्जाम में क्या होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का टाइम मिलता है, तो हमें 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है 1 क्वेश्चन को करने का। इसीलिए आपको ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। अब यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, 36 पेनों और 42 पेंसिलों की कीमत 460 रुपए है, तो 18 पेनों और 21 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? देखिए, 36 पेन प्लस 42 पेंसिलों की कीमत आपको दे रखी है कितनी? 460 रुपया। अब पूछ कितना रहा है? पूछ रहा है 18 पेनों प्लस 21 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, इसने ये पूछा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस ध्यान से अगर आपने संख्याओं को देख लिया तो आंसर तो मिल गया। देखिए, 36 पेन 42 पेंसिल की कीमत 460 है, 18 पेन 21 पेंसिल की कीमत क्या होगी? देखिएगा, 36 का आधा है पेन 18, 42 का आधा है पेंसिल 21, यानी कि कीमत भी आधी हो जाएगी। पेन आधे हो गए, पेंसिल भी आधी हो गई, तो कीमत भी आधी हो जाएगी ना। तो 460 की आधी कीमत कितनी हो जाएगी? 230 रुपया हो जाएगी। भाई, यही तो आपका आंसर हो गया, 230। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ध्यान दीजिएगा, कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला यहां पे मैं नहीं बता रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं, बस देखते ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा? दो संख्याओं का औसत कितना है भाई? 6। संख्या कमल पे औसत से कर दूं तो योग मालूम हो जाएगा, इसका मतलब 12 मेरे पास योग हुआ। योग कितना हो गया? 12। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है? 32। मैं आपको बता दूं, गुणनफल आपको दे रखा है 32। ठीक है, गुणनफल हमारा कितना है? 32। अब देखिए, 32 किन किन संख्याओं का होगा? ऐसा क्या करें हम क्या जोड़ने पर तो हमें 12 मिल जाए और गुणनफल हमारा 32 मिल जाए? ऐसी वो कौन कौन सी संख्या होंगी जिनको अगर हम जोड़ें तो 12 मिल जाए और गुणा करें तो 32 मिल जाए? तो 8 प्लस 4 दोनों को जोड़ूंगा तो 12, और 8 गुने 4 दोनों का गुणा करूंगा तो 32 हो जाएगा, यानी कि 8 4 12, 8 चौक 32। तो ये वो दोनों संख्या हैं, 8 और 4, ये दोनों वो संख्या हैं। इनके घनों का क्यों पूछा है? तो दोनों संख्या तो हमें मालूम पड़ेगी, वो 8 और 4 है, दोनों का घन करना है, यानी कि 8 का भी घन और 4 का भी घन। तो 8 का घन कितना हो जाएगा? 512 होता है, और 4 का कितना होता है भाई? 64। उनका योग करिए, योग पूछ रहा है ना, तो योग कर लो, 2 और 4 6, 1 और 6 7, ये आ गया 5, 576 योग है, यही आपका आंसर हो गया भाई, 576। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 2 है, हमें ऐसी कोई दो संख्या लेनी है जिनका योग करें तो 20 आ जाए और अंतर करें तो 2 आ जाए, याद रखना। तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, आज फिर से आ गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालते हैं। सबसे पहले निकालो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों का योग कर दो, यानी कि योग आपका 20 है और 2 आपका ये रहा, दोनों का अंतर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और कितनी संख्या? 2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 11, यानी कि बड़ी संख्या 11 आ गई। अब निकाल लो छोटी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटी संख्या करने के लिए दोनों का अंतर करके, यानी कि 20 तो 2 का अंतर 18, 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या 11 हो गई, छोटी संख्या 9 हो गई। आ गया, दोनों के वर्गों का योग क्या होगा? उसने ये कहा है दोनों के वर्ग का, यानी कि बड़ी संख्या 11 है तो मैं 11 का भी वर्ग कर दूं और 9 का भी मैं वर्ग कर दूं, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब दोनों को जोड़िए,
एक और एक दो, आठ और दो दस का जीरो, कैरी का वन, एक और कैरी का वन दो, यानी कि 202। आपका आंसर कितना हुआ? 202, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि तीन क्रमांकित संख्याओं का योग 15 है तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? योग 15 है तीन संख्याओं का, तो संख्याओं से डिवाइड कर दो, औसत मालूम हो जाएगा। तीन से 15 कटाऊंगा, 5 बार मिल जाएगा। ये औसत मालूम होता है और ये बीच वाली संख्या भी होती है और ये औसत भी होता है। ठीक है, अब संख्या कितनी है हमारे पास? तीन संख्या है ना, एक दो तीन। ये संख्या कौन सी? बीच वाली संख्या। कैसी है? लगातार है, तो 5 के आगे 6 आएगा, 5 से पहले 4। उनका गुणनफल कितना होगा? गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा। 4 5 20, 20 का कर दो 6 से, तो हो जाएगा भाई 120। यही हो गया आपका आंसर, 120 पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर 72 है। ठीक है, देखिए a क्यू प्लस b क्यू बराबर दे रखा है 72। ठीक है, ये दे रखा है 72 और a b बराबर 8 है। a गुने b बराबर 8 है, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता है उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो दोनों का गुना 8 है। तो कह रहा है कि a प्लस बी दोनों को जोड़ के क्या होगा वो आपको बता देना है। दोनों को जोड़ के भाई क्या होगा? मैं ऐसी कोई दो संख्या लेता हूं कि दोनों को अगर गुना करूं तो 8 हो जाएगा और दोनों का क्यूब करूं तो 72 हो जाएगा। ऐसी कोई दो संख्या मुझे यहां लेनी है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं कोई संख्या लेता हूं 2 और 4, तो 2 चौके कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, और दोनों को मैं क्या करूं? जोड़ूंगा, दोनों का क्यूब कर लिए, दोनों को जोड़ूंगा तो 64 और 8 72 हो गया। यानी कि वो दोनों संख्या मेरी कौन कौन सी है? 2 और 4। दोनों का गुना किया तो 8 भाई, दोनों का गुना किया तो 8, और दोनों का मैंने क्यूब किया तो 72। तो देखिए दोनों का मैं क्यूब करूंगा, यानी कि 2 है a और b है मेरा कितना 4। दोनों का मैं क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब करूंगा और 4 का क्यूब भी करूंगा, तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, और 8 और 64 दोनों को जोड़ूंगा तो 72 हो जाएगा। a मेरा 2 है, b मेरा 4 है, दोनों का गुना करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, a मेरा 2 है, b मेरा 4 है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 6। आंसर आ गया 6, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे आप। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान ज्ञात करें यदि एक्स माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 12 है। आपसे कहा गया है कि एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 का मान क्या होगा जबकि एक्स माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स गुने वाई बराबर आपका 12 है। यानी कि कोई दो संख्या मैं ऐसी लूं कि दोनों का गुना करूं तो 12 आ जाए और दोनों का अंतर करूं तो 4 आ जाए, ऐसी कोई संख्या लेनी है मुझे। ठीक है, देखिए अगर मैं एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 2 लूं तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, और दोनों का अंतर 4 आना चाहिए, तो 6 और 2 का अंतर मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मेरी एक्स कितनी हो जाएगी? 6, वाई हो जाएगी 2, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12। एक्स मेरा 6, वाई मेरा 2, दोनों का अंतर करूंगा तो 4। एक्स मेरा 6, वाई मेरा 2, दोनों का क्या कर दूं? क्यूब कर दूं, दोनों का क्यूब करने के लिए बुलाया। ठीक है, दोनों का अंतर कर देंगे क्यूब करके। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब हो जाएगा भैया आपका 216। 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस 2 का क्यूब हो गया 8। अब देखिए 216 में से माइनस कर दो 8, तो कितना बचेगा भैया? 208 बचेगा कि नहीं? यही आपका आंसर आ गया, यही तो बताना था, 208, यानी कि बी ऑप्शन है सही जवाब। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई बराबर 18, एक्स वाई बराबर का मतलब एक्स गुने वाई बराबर 18, तो इनके दोनों का गुना 18 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है। तो पूछा है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसका मान पूछा है। कोई दो ऐसी संख्या लो कि दोनों का गुना करें तो 18 और दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो 45 आ जाए, ऐसी कोई दो संख्या लेनी है हमें। ठीक है, ऐसी कोई दो संख्या। अब देखिए अगर मैं वो दो संख्या आपकी, जैसे मान लीजिए 36 ले लेता हूं, ठीक है 36 है या 18 है या 27 या 9, अब इन चार में से ही कोई ऑप्शन हो एक होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं।
अब देखिए 18 तो कई संख्या का मल्टीप्लाई होता है, अगर 2 का गुणा 9 से करेंगे 9 दुनिया का 18, 6 त्रिक का 18 ऐसे भी होता है। तो देखिए दो ही संख्या मल्टीप्लाई में आ रही है, ये या तो 6 गुने 3 होगा 18 या फिर 9 गुने 2 होगा 18, ये दो का संख्या का मल्टीप्लाई 18 है, 6 त्रिक का 18 9 दुनिया का 18, ये दो संख्या का मल्टीप्लाई 18 आ रहा है। तो आप दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लो इसी संख्या से, मैं पहले 6 संख्या थी तो 6 ले लेता हूँ, यानी कि 6 का स्क्वायर करूंगा 36, वाई मेरा कितना है 3, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और दोनों को जोड़ लूंगा तो 45 हो जाएगा, 45 ही तो आना चाहिए भाई, बिल्कुल सही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई दूसरी भी। तो एक्स और वाई मेरी कौन कौन संख्या है, एक्स मेरा 6 है गुने वाई मेरा 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई 18 हो गया, एक्स मेरा कितना है भाई 6 का स्क्वायर करूंगा, वाई मेरा कितना है 3, 3 का स्क्वायर करूंगा जोड़ दूंगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 जोड़ूंगा तो 45 हो जाएगा भाई, दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, एक्स मेरा 6 वाई मेरा 3 दोनों को जोड़ूंगा कितना आंसर मिल जाएगा 9 आंसर मिल गया, बिल्कुल सही जवाब मिल गया मुझे 9, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है a प्लस बी बराबर 3 और a गुने बी बराबर माइनस 4, फिर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा क्या आने वाला है, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।